मॉम हेल्दी एंड इजी रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। तो हम बनाने जा रहे हैं आज हलवा, जो कि बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम सूजी, 2 बड़े चम्मच घी, आधी कटोरी मैंने चीनी लिया है, जो कि ये 100 ग्राम 150 ग्राम चीनी होगा। और यहाँ पर बादाम ले लिया है और यहाँ पर काजू लिया है, ये अपने अनुसार ले, आपको जितना डालना हो, मैंने थोड़े थोड़े लिए हैं। सबसे पहले गर्म कढ़ाई में मैंने यहाँ पर मूंगफली के दाने डाल दी हूँ, इसे अच्छे से हम भून लेंगे। इसमें ना ही तेल डालना है और धीमी आंच पर ही इसे भूनना है। थोड़े भूनने के बाद मैं इसमें काजू को भी डाल देते हैं, थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लेते हैं हल्का। पहले बादाम को हमें अच्छी तरह से भून लेना है, इसके बाद ही काजू को डालकर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसे रोस्ट करके निकाल लेना है। इसके बाद उसी कढ़ाई को चढ़ाने के बाद मैंने इसमें घी, 2 बड़े चम्मच घी है, इसमें घी को डाल देते हैं और इसे गर्म कर लेते हैं। घी गर्म हो जाने पर इसमें मैं डाल दूँगी सूजी को। सूजी को अच्छी तरह से इसे चला लें, पहले अच्छे से घी में मिला मिला कर इसे हमें चलाना है अच्छी तरह से, और इसे रुकना नहीं है, इसे चलाते ही रहना है आपको। चलाते चलाते ये जब कलर, इसका भूरा कलर हो जाए, तब इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल भून कर रखे हुए हैं उसे आप डाल दें। आप अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, इसमें गड़ी भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं, तो आपको जो मन है ड्राई फ्रूट्स में, जो आपको पसंद है वो चीज़ इसमें डालकर भून सकते हैं। इसके बाद 2 मिनट तक चलाने के बाद इसमें चीनी की पारी आ जाती है और मेरा अच्छे से भूरा कलर हो गया है भी, तो इसमें मैं चीनी को ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे, मिला लेंगे चीनी को। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे, चीनी को ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, बस इसे मिलाने के बाद हमें इसमें पानी डाल देना है। और ये गिलास से मैंने 2 गिलास पानी इसमें डाला है। अब इसे हम चलाते रहेंगे इस तरह से, ढक ढक कर आप चला सकते हैं भी, इसे ढक देंगे बस 1 सेकेंड के लिए। हलवे को धीमी आंच पर ही पकाना चाहिए, अच्छे से चलाते रहना है इसे ढक ढक कर, चाहो तो, या फिर आप नहीं भी ढक सकते हैं, इसी तरह भी चला सकते हैं, और चाहो तो ढक ढक कर भी आप 1-1 सेकेंड के लिए ढक दें और इसे हटाकर अच्छे से चलाएं। और ये देखिए हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है सूजी का, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुतों लोगों को बहुत पसंद होता है मीठा हलवा। तो ये देखिए तैयार हो गया है हलवा बनकर सूजी का हलवा। इस तरह से सूजी का हलवा बनाएंगे अपने घर पर तो बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, सभी को बहुत पसंद आता है, और इसके साथ पूरी भी बनाकर खा सकते हैं। पूरी हलवा बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब इस पर बचे हुए मेरे ड्राई फ्रूट्स उस पर डाल देते हैं थोड़ा सा गार्निश के लिए, अच्छा दिखने के लिए। तो चलिए हमारा खाने के लिए तैयार हो गया है, आप अपने घर में बनाएं और खाएं। ये हलवा बहुत ही टेस्टी इसका लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए वीडियो पसंद आया आपको, आज की रेसिपीज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।